नमस्कार, मैं वर्तिका आप सभी का लाइव हिंदुस्तान में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ ताजा खबर सीजन 2 के स्टारकास्ट यहाँ पे मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं और इस सीरीज के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं। वेलकम लाइव हिंदुस्तान में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आप कितने दिनों से नहीं सोए हैं? मैं, ये किसने बता दिया? हो गया बहुत समय, हो गया बहुत। कुछ आने वाला था आपका प्रोजेक्ट, तो आप बहुत टाइम तक नींद ही नहीं करते। हाँ, वो ना चाहते हुए ऐसा हो जाता है, बट हाँ हो गया। अभी तीन सवा तीन महीना हो गया। तीन घंटे चार घंटे की नींद पे चल रहा है सर। मैंने आप तो भी सुना है कि आप बहुत लेट से सोते हैं, मतलब रात, आप नाइट पर्सन है आप। हाँ, एक बन गया है। मैं नहीं कहता हूँ, कोई फख्र की बात नहीं है, बट हो गया है वो सिस्टम, थोड़ा गड़बड़ है। चलिए सीरीज की बात करते हैं। ट्रेलर बहुत अच्छा है, जो रिस्पांस आ रहा है, जो ट्रेलर पे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हाँ जी, आपने देखा, आपने शेयर किया कि नहीं? बिल्कुल, बस फिर ठीक है, फिर मेरा काम हो गया। जो ट्रेलर के नीचे जो हमने रिस्पांस देखा है, तो आपकी एंट्री पे बहुत तालियां बज रही हैं। लोग जो कमेंट्स लिख रहे हैं, मैं वो एक बार पढ़ूंगी। लोग लिख रहे हैं कि विलन कास्टिंग इज वंडरफुल, जावेद जाफरी को नेगेटिव रोल में देखकर मजा आ गया, वंडरफुल, ऑसम, लुकिंग फायर। आपका क्या रिएक्शन है? ये तो यार इनकी मेहरबानी है, इन लोगों ने सोचा कि डायरेक्टर, एक्चुअली हिमांग ने मुझे वो अवार्ड शो पे देखा, मैं गया था। अच्छा, वो अवार्ड शो में जाने भी नहीं वाला था। अच्छा। मेरी बीवी ने कहा यू शुड गो, जाया करो, जाते नहीं हो। बोले ओके ठीक है, चले गए। मुझे तो अवार्ड मिलने वाले थे, मैं चला गया प्रेजेंट करना। वहाँ हिमांग ने देखा एंड हिमांग फेल्ट यू नो वट एवर, इनसे मुलाकात हुई। एंड नेक्स्ट डे कॉल आया कि आपको देखा सर, आप चाहेंगे कि आप, ये हमारा एक सीरीज है। तो अब लिखा हुआ इतना अच्छा है, इतना अच्छा डायरेक्ट किया हुआ है, इतनी अच्छी कास्ट है साथ में, तो ऑब्वियसली। बट इन्होंने जिस तरह प्रेजेंट किया है शो में मुझे, आई एम रियली थैंकफुल कि बहुत दिनों बाद ऐसे विलन के रोल में आने का मौका मिला, और बहुत ही पावरफुल विलन के रोल में आने का मौका मिला। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके मुझे कास्ट किया, क्योंकि टाइप कास्टिंग हो जाती है कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, तो यू नो कॉमेडी 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 कॉमेडी। तो आई थिंक आई एम रियली, एंड बहुत अच्छा बना है जिस तरह से प्रेजेंट भी किया है। सो ऑब्वियसली इट्स द मेकर्स, हम तो एज एन एक्टर अपना काम कर देते हैं, लेकिन जब तक ये पूरा पैकेज ना हो तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। बेसिकली सर, आपने बहुत कुछ किया है, अपने एंकरिंग किए हैं, अपने कॉमेडी रोल किए हैं, बहुत सारे रोल्स भी किए, नेगेटिव पॉजिटिव सब। आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? मैं एक्टर हूँ, प्राइमरी एक्टर, कहीं भी चाहे कोई भी, चाहे वो उसको होस्ट भी करना पड़े तो वो एक एक्टर उसमें आता है, वॉइस ओवर भी करना पड़े तो एक्टर जब तक नहीं होगा वो वॉइस में इमोशंस नहीं आएंगे। तो आई थिंक एज एन एक्टर होलिस्टिकली एक्टर ही है, बिकॉज अगर वॉइस में भी एक्टिंग की जरूरत है, तो हर जगह आई थिंक एक्टर काम आता है, और जिस माध्यम में भी मैंने कुछ किया है तो एक्टर ही, प्राइमरीली एक्टर हूँ। डांस कर लेता हूँ, इम्पर्सोनेशंस कर लेता हूँ वगैरह वगैरह, बट बेसिकली एक्टर। यस, वो जो हमने ट्रेलर देखा उसमें एक लाइन है जो आपको कही जाती है कि आपकी किस्मत आपसे रूठ गई क्योंकि आपकी लक्ष्मी आपसे रूठ गई। रियल लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि आपकी जो घर की लक्ष्मी है वो नाराज हो गई और आपका बनता काम बिगड़ गया हो? अब अगर आपने पूछा है तो मुझे लग रहा है ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी, पर नहीं, मैंने कभी ऐसा नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि रूठने ही नहीं देता ना मैंने। वंडरफुल। अच्छा, उसमें जो तीन डायलॉग्स हैं जो काफी फेमस हो रहे हैं, वो तीन डायलॉग्स में पढ़ूंगी। आप लोगों का पर्सनल फेवरेट डायलॉग कौन सा है और क्यों है वो मुझे बताइएगा, ठीक है? कागज और गुनाह दोनों चुकाने पड़ते हैं, कर्ज और गुनाह दोनों चुकाने पड़ते हैं, वरना चैन से मर भी नहीं सकते। अब हराम और हलाल के बीच एक जगह है गरीबी, जादू धोखे से होता है और चमत्कार यकीन से। मुझे वो लाइन अच्छी, हलाल हराम के बीच में क्या जो गरीबी, वो लाइन मुझे बहुत पसंद, बहुत प्रैक्टिकल लाइन, बहुत प्रैक्टिकल लाइन है, और वो आइडेंटिफाइबल लाइन, लोग आइडेंटिफाई करें। हाँ, और बहुत रिलेट कर पाएगी मेजॉरिटी ऑफ द जनता इससे, क्योंकि मेरे को पर्सनली भी काफ़ी लोग जब ट्रेलर ऑन से पहले जिनको दिखाया उन्होंने यही बात बोली कि हलाल और हराम वाली जो लाइन है ये इस लाइन के बीच में आधा इंडिया आ जाता है, आधे से ज़्यादा इंडिया आ जाता है, कि सबको चाहिए कि मैं कैसे अपनी इस करंट सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं मैं।
तो आई थिंक वो लाइन मेरी फेवरेट है इन तीनों लाइन में से, इनसे और अच्छी लाइंस शो में। वो तो हम शो में सुनेंगे। यू नो व्हाट, ये लाइन से मुझे एक शेर है बहुत पॉपुलर, मैंने पढ़ा था कहीं कि ना मस्जिदों को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं उससे निवालों को जानते हैं। तो ये जो लाइन है ना गरीबी जी, तो आई थिंक क्या आई जस्ट रिमेम्बर्ड, ये बड़ा अच्छा था, किसी ने लिखा है मुझे पता। क्या अच्छा, इस पूरे सीरीज में पैसों की बात की गई है ना, कि आप भी गरीबी से निकलने की कोशिश करते हैं, आप भी अपने पैसे मांगने के लिए इनको समय देते हैं। मैं गरीबी से बचने की कोशिश करता हूं। तो कभी ऐसा हुआ है कि पैसों के कारण आपने वो भी किया हो जो आप लोगों को करने का मन ना हो? मैंने कभी कभी किया है काम के तौर पर, मुझे लग रहा है कि ठीक है यार, बट दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, फीस भरनी है अमेरिका में, ठीक है कर लेना पड़ेगा। तो मेरे साथ तो हुआ है, अच्छा हम इसका तो कुछ जिम्मेदारी इस हिसाब से थी नहीं थी बड़ी बात। मेरा तो बड़ा ही रोमांचक किस्सा है सर। मैं मैसूर में था, एक ब्रांड ने मुझे बोला कि स्काई डाइव करना है आपको। एक ब्रांड आया मेरे पास, उसने बोला स्काई डाइव करना है। तो मैंने कहा सही है, इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट टाइम करूँगा लाइफ में, मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा व्हाट इज़ द कैच, इसमें क्या नया क्या है इसमें? कह रहे आपको स्काई डाइव करना है 15,000 फीट से, और आपको टॉप 10 खबरें पढ़नी है, पूरा कैमरा रिग्ड होगा आपके तो, और आपके साथ एक बंदा भी उड़ेगा साथ में। मैंने कहा ठीक है। अब वो करा, वो लैंड हुआ। वो अलग बात है कि लैंड होने के बाद उसने मुझे बोला कि कैमराज ऑन नहीं थे। देन They made me do it again. Okay. That's it. वो पूरा जो ट्रॉमा था मेरा 40 मिनट का, वो प्लेन ऊपर जाना, फिर वहाँ से छलान मारना, वो मैंने अभी डायलॉग भी याद रखने, डायलॉग भी याद रखने हैं। आधे घंटे बाद मैंने फिर किया, वो लैंड होने के बाद मैं चाउमिन खा रहा था, तो उसने बोला कि फिर करना पड़ेगा, कैमरा ऑन नहीं थे, तो फिर किया उसको। वो इसलिए किया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में था कि इफ़ यू वॉन्ट टू गेट पेड देन यू हैव टू डू इट ट्वाइस मिनिमम। तो फिर ये चीज़ तो मैंने पैसे के लिए बहुत जान दो बार दाव पे लगाई है। देखो कुछ चीजें आई डोंट कॉम्प्रोमाइज, लाइक आई विल नॉट एंडोर्स सिगरेट्स, आई विल नॉट एंडोर्स अल्कोहल, टबैको, अल्कोहल, गैम्बलिंग, ये तीन चीजें मैं एंडोर्स नहीं, इतना भी पैसा नहीं, आई डोंट एंडोर्स इट। सो बट सर देखा जाए तो सीरीज में भी तो गैम्बलिंग ही है। क्या बात, जो ट्रेलर है उसमें आप नेपाली सॉन्ग भी यूज किया है, उसको बहुत पसंद किया जा रहा है। ट्रेलर में नीचे लिखा जा रहा है कि नेपाल से प्यार, हम बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, आपने हमारे गाने को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके गया, वो कैसे आया कि वहाँ का सॉन्ग यूज़ करते हैं? मैं हम लोग शूट ही कर रहे थे, ताज़ा खबर सीज़न 2 शुरू ही किया था सर शूट करना, और वो गाना मेरे को रील पे दिख गया, रील पे सुनाई दे गया मुझे, और तब वो बड़ी वाली वेडिंग चल रही थी इंडिया में, तो वो हर रील पे वही गाना चल रहा था। तो मैंने गाना सुनने लायक यार, इसको सुना जाता, पूरा गाना सुना, बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद हम शूट कर रहे थे, शूट करते हुए हमने वो जो आर्टिस्ट हैं कुशल, उनको हमने DM कर दिया इंस्टाग्राम पे कि ऐसे ऐसे हम बीवी की वाइन से बोल रहे हैं और हमारा एक शो आ रहा है, उसमें हम चाहते हैं कि आपका गाना फीचर हो जाए, तो अगर आप कीन है तो। वो 3 दिन के अंदर वो गाना हमारे पास आ गया, एंड थैंक्स टू कुशल फॉर बीइंग सच अ सपोर्ट। वो गाना ऑलरेडी सुपर हिट है, मतलब उसकी वजह से शायद हमारा ट्रेलर और लोगों ने देखा। वो लोग प्यार भी ऐसे दे रहे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने पढ़े कमेंट्स? मैं तो पढ़े कमेंट्स पढ़े मैं। ये कोलैब की दुनिया है। हाँ, कोलैब की दुनिया। अच्छा, आप हर इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मैं स्टार्टिंग में सीरियस नहीं था यूट्यूब को लेके, और कैरेक्टर्स में भी आप बोलते हैं कि वो मैंने बस शुरू करने के लिए शुरू कर दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि किसी का हाथ है सर पे जो आप फोन से जब शूट करते थे और आज आप यहाँ तक का सफर तय किए हैं? तो पब्लिक, यस, नो वन इज टू बी क्रेडिटेड फॉर दिस, नॉट इवन माई सेल्फ, इट्स ओनली द पीपल हु हैव वॉच्ड मी ऑन द इंटरनेट एंड दे हैव शोन देयर फेथ
लाइक एवरी टाइम जैसा पहले दिया था 7 साल पहले 8 साल पहले सेम अभी भी है. तो इट्स एवरीथिंग दैट आई डू इट्स अ सर्विस टू देम दैट आई एम डूइंग इट फॉर देम एंड मेनी मोर हु गोना जॉइन मी इन माय जर्नी. और आई थिंक हाथ की जानक बात है, सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो माँ बाप का उनकी दुआ होती. आई थिंक वो तो ऑब्वियसली आई फील दैट आप उनकी खिदमत करें उनकी दुआएं लें बिल्कुल इट गोज समवेयर कहीं ना कहीं तो वो रुजू होता है इन सम फॉर्म ऑब्वियसली देन इट्स देयर ऑडियंस के हाथ में इट गोज नेक्स्ट. या सर आप इतने यंग दिखते हैं आप एक मैं हूँ बिल्कुल है कोई नहीं कह सकता कि सर की एज क्या है, कोई गेस नहीं कर सकता यहाँ पे. तो एक कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्टिकुलर एक रूटीन ही फॉलो करते होंगे सर उस रूटीन के बारे में. टोटली नॉन रूटीन आदमी हूँ, इनडिसिप्लिन आदमी हूँ. हाँ लेकिन कुछ चीज़ें हैं मॉडरेशन में रहता हूँ. कुछ ज़्यादा खाने में अपना रखता हूँ, बट ये नहीं नो ग्लूटेन नो लैक्टोज ये वो खा लेता हूँ. बिरयानी भी खाऊँगा, चॉकलेट भी खाऊँगा, आइसक्रीम भी खाऊँ खाता हूँ. एक्सरसाइज थोड़ा मेंटेन रखता हूँ. और जैसे क्या कुछ आदतें हैं, शराब सिगरेट आई डोंट नो इफ इट अफेक्ट्स डजंट मैटर लॉट ऑफ पीपल स्मोक एंड ड्रिंक दे आर लुकिंग वेरी हेल्दी तो आई वोंट से दैट. लेकिन हाँ यही है, बाकी थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहता है तो कहीं अंदर से भी जो होता है एक शांति वो यू नो एक सुकून दैट कम्स आउट. बाकी तो आई डोंट दुआएं ऊपर वाले का करम सबसे बड़ा. सर अच्छा भुवन दिल्ली से आप इतने जवान कैसे लगते सर वो एक गोली आती है छोटे भुवन दिल्ली से हैं आप भी अभी दिल्ली में ही प्रमोशंस कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ लेके गए सर को आप? कहीं नहीं ले जा पाए हम बंदे में हैं. मौका मिलेगा तो सर को कहाँ लेके जाएंगे? सर को दिल्ली जय में अब्दुल भाई की दुकान है बोला वहाँ का कीमा बहुत मशहूर है इन्होंने बोला तो वहाँ से कुछ फ्रेश कटवा के चीजड़े निकलवा के बड़ी और मेरे घर के पीछे एक बंटी चाप पला है उनके पास सर उनके पास दो स्टूल हैं वो लाल वाले स्टूल हैं उनके पास. स्टूल टेस्ट होता है वहाँ पर वहीं बैठ के आप खाओ क्या चाप मिलती है वहाँ सर को वहाँ ले जाऊँगा कराटे चाप. हाँ मलाई चाप सोया चाप बेहतरीन. उसके अलावा आप दिल्ली में और क्या पसंद करते हैं? दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं खाने में. ठंड, दिल्ली की ठंड. ठंड हाँ दिल्ली की ठंड मेरी फेवरेट. अभी आप दिल्ली में ही हैं या आप मुंबई सेटल हो गए हैं? सेटल नहीं, मैं कहीं सेटल नहीं होना चाह रहा. मैं थोड़ा दिल्ली थोड़ा मुंबई. ओनली डस्ट सेटल. ओनली डस्ट कहीं और सेटल नहीं होना चाह रहा. बाकी खाने में तो दिल्ली में सब कुछ ही पसंद है मुझे. दिल्ली का पूरा पैलेट दिल्ली का मुझे पसंद है. सर भुवन जैसे यूट्यूब पे बहुत एक्टिव हैं उनके तो उन्होंने तो रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं तो आप उनसे मिलके ऐसा आपने सोचा कि मैं भी YouTube पे व्लॉगिंग शुरू करूं? नहीं, मेरे पास घर पे पुराने जो LPs होते ना वो पड़े थे तो मैंने बोला तो कम से कम 25 मैंने तोड़े. मैं भी रिकॉर्ड तोड़ूंगा. नहीं ऑब्वियसली यार एक नई पीढ़ी है यू नो हम पीड़ा है ये पीढ़ी तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू लर्न कि आज क्या हो रहा है आज के यंगस्टर्स क्या पसंद कर रहे हैं. एंड वो जो रेटिफिकेशन होता है व्हेन यू सी कि भाई इस बंदे को ये लोग बहुत देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं कुछ होगा देन यू एनालाइज के क्या पसंद करते हैं व्हाट इज द काइंड ऑफ ह्यूमर विच वर्क्स. सो वो मैं ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता हूँ ये कंटेंट बट थोड़ा थोड़ा जो इंटरनेशनली भी कुछ लोगों को देख लेता हूँ इनका भी थोड़ा देखा कुछ अच्छा लगता है तो तारीफ कर देता हूँ बट आई एन्जॉय आजकल का एक बट हम डिसकनेक्टेड नहीं है फॉर सम रीजन आई मे बी वन maybe double his age but I'm not disconnected. I don't say हाँ maybe 100 में से कुछ 10 चीज़ें होंगी which I may not understand because वो colloquial words हैं आजकल के नए words हैं तो मेरा बेटा भी घर पर यूज़ करता है मुझे समझ में नहीं आते हैं कभी कभी. बट जितनी आपकी और मेरी इंटरेक्शन हुई है और जितनी भी सोशल मीडिया से रिलेटेड इंटरेक्शन हुई है सर इज अप टू डेटेड. सब पता है सर को क्या चल रहा है सारे लिंगोस पता है उनको बताना पड़ता है कि सर इसका मतलब ये फॉर एग्जांपल ये बूमरैंग है बट सर को पता होगा कि ये ऐसा है इसका ब से बूमर करके कुछ ऐसा नाम बट सही है सर ठीक है. कीपिंग अप करना जरूरी है. घर में 3 बच्चे भी थोड़ा सिखा देते हैं पीछे पड़े रहते हैं पापा यू शुड कम ऑन इंस्टाग्राम यू शुड डू दिस यू रमेश यार
तो आप आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे? नहीं है, बट आई एम नॉट एक्टिव या थोड़ा कभी ज्यादा पता नहीं, कुछ करूंगा देखो ये सिखाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम हमारी कन्वर्सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। ओके 27 व्हाट इज द ट्वीट 27 सितंबर को ताज़ा खबर सीजन 2 हॉटस्टार पे आएगा, उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू। डिज्नी हॉटस्टार पे आएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आएगा, देखिए 27 सितंबर को। बहुत ही एक कॉम्पैक्ट शो है, आपको मज़ा आ जाएगा, एक रात में देख डालेंगे आप। और मैं इससे ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ लेकिन हमारे पास समय नहीं। नहीं नहीं, एक आपके स्टाइल में, ये मेरा ही स्टाइल था। नहीं नहीं, वो वाला नहीं। हाँ, जो यूट्यूब पे आप स्टाइल करते हैं, कोई कैरेक्टर के साथ इसका प्रमोशन। देखिए वर्तिका जी मेरे को बोल रही हैं कि ऐसे कुछ प्रमोट करना है, ताज़ा खबर के बारे में भांजे का शो आया है, और अकेले क्या बोलूं, मेरे साथ जे जी हैं। जे जी बताइए। अरे दिल्ली का छोरा है तो दिल्ली के साथ भी इस जमान में बात करने की ज़रूरत है भाई। ये ताज़ा खबर जो है, ये जो मेरे दुकान पर जो सुबह सुबह ताज़ा कीमा आता है, इससे भी ताज़ा है भाई। और बिल्कुल देखिएगा और दिमाग सही हो जाएगा भाई, बिल्कुल टन टनाटन। मस्ती करो, मौज मस्ती करो, देख डालो, नहीं देखोगे बहुत बुरे पाप लगते हैं मेरे कहने पे। पाप म्यूजिक सुनना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। पाप स्टार। थैंक यू। थैंक यू।